वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि प्रीवियस क्लास की बात करें तो हम लोग बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन को समझ रहे थे, और हमने ये देखा था कि बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशन है वो दो तरह से हो सकता है। एक तो बैक्टीरिया के अंदर हो सकता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है कीमो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये दो तरह का है, एक है फोटोसिंथेटिक और दूसरा है कीमोसिंथेटिक। मतलब जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस से फूड बनाएंगे वो कहलाएंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, और जो केमिकल रिएक्शन से फूड बनाएंगे वो कहलाएंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। फिर हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस में यहाँ पर ऑक्सीजन यूज नहीं होता, इसलिए ये वाला जो फोटोसिंथेसिस है जो बैक्टीरिया में देखा जा रहा है वो होता है एनऑक्सीजेनिक, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं हो रहा। ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा तो एनऑक्सीजेनिक है, क्योंकि ऑक्सीजन क्यों रिलीज नहीं होता, इसका रीजन ये है कि जो इसमें रिड्यूसिंग पावर है या रिड्यूसिंग एजेंट है वो रिड्यूसिंग एजेंट वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता। अब रिड्यूसिंग एजेंट, यदि रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो वाटर नहीं है तो कुछ और रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज होगा, और जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा उसके बिहाफ पे हमने बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में बांटा है। रिड्यूसिंग एजेंट यूज, जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहा है उसके बिहाफ पे बैक्टीरिया दो तरह के हैं, दो कैटेगरी में उनको बांट दिया। यह हम बोल सकते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ को ही दो कैटेगरी में बांटा गया है। और कौन कौन सी कैटेगरी है वो? पहली है फोटो लिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया, फोटो लिथोट्रॉफिक, ये न्यूट्रिशन हो जाएगा फोटो लिथोट्रॉफिक। और दूसरा हो जाएगा फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक, फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक। फोटो लिथोट्रॉफिक की यदि बात करें तो इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज होते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इन दिस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और एक हो जाएगा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक की बात करोगे तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होते हैं। इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होंगे। इसके एग्जाम्पल देखेंगे यदि तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रीन सल्फर या ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया,
नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो ये हो गए आपके दो टाइप हमने देख लिए, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की दो कैटेगरी हमने समझ ली। इसे नोट करें, उसके बाद हम समझते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में, उनको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। तो अब हम बात करते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में या कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। तो हमने बताया था ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल रिएक्शन से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, वो कहलाते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन या केमिकल एनर्जी से इन्हें न्यूट्रिएंट मिलेगा, फूड मिलेगा। ये अपना फूड केमिकल रिएक्शन से, केमिकल एनर्जी से या के द्वारा अपना फूड बनाएंगे। तो ये क्या करते हैं, दे ड्राइव्ड, दे ड्राइव्ड एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन, they derived energy by oxidation of compound। ये compound का oxidation करके उससे energy लेंगे। अब ये किस compound को oxidize कर रहे हैं उसके बिहाफ पे दो तरह के हैं, तो फिर इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, टू टाइप्स। और इसका बेसिस क्या है, टू टाइप्स बेसिस है तो बेसिस है कंपाउंड ऑक्सीडाइज। कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है जिनसे इनको एनर्जी मिल रही है उसके बिहाफ पे ये बैक्टीरिया दो तरह के हैं। तो एक हो जाएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी लेंगे, दूसरा हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको ये ऑक्सीडाइज करके एनर्जी लेंगे। तो एक तो हो जाएंगे कीमो लीथो ऑटोट्रॉफिक और दूसरे हो जाएंगे कीमो ऑर्गेनो ऑटोट्रॉफिक। तो एक हो गए कीमो लीथो ऑटोट्रॉफिक, दूसरे हो गए कीमो ऑर्गेनो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, कीमोलीथो और कीमो ऑर्गेनो। कीमोलीथो में कौन कौन से आ जाएंगे, कीमोलीथो क्या होते हैं, तो कीमोलीथो में वो बैक्टीरिया आते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं, दे ऑक्सीडाइज
इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और कीमो ऑर्गेनो में क्या होता है, ये किसको करेंगे ऑक्सीडाइज, तो दे ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं। एग्जाम्पल समझो यदि इनके हम, तो देखिए इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। पहला है, पहले हम लीथो में देख लेते हैं एग्जाम्पल। लीथो में एग्जाम्पल हो जाएंगे आयरन बैक्टीरिया, पहला हो जाएगा आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया में आता है, आयरन बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है फेरोबेसिलस। फेरोबेसिलस। दूसरा है सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया में आता है बैगिया टोआ। बैगिया टोआ। फिर है हाइड्रोजन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, इसमें एग्जाम्पल आता है हाइड्रोजिनो मोनास, हाइड्रोजिनो मोनास। उसके बाद फोर्थ है नाइट्रोजन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, और इसमें एग्जाम्पल आता है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। तो ये हो गए कीमो लिथोट्रॉफिक, क्या या कीमो लिथो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल, हम इसके समझ लेते हैं जो ये है आपका कीमो ऑर्गेनो का। कीमो ऑर्गेनो के देखोगे एग्जाम्पल तो इसमें एक आ जाएगा मीथेन बैक्टीरिया, मीथेन बैक्टीरिया। और मीथेन बैक्टीरिया में आपको पता ही है कौन आएगा इसमें, इसमें आएगा आपका मीथेनोमोनास, इथेनो मोनास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझ लिया, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने सारे बैक्टीरिया समझ लिए। अब आगे बात करते हैं हम लोग, और इसके बाद अब हम समझते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में, और हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसको एक बार समझ लेते हैं। चलिए बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, इतनी बात तो हम समझ ही चुके थे कि ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहे हैं, ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते। फिर ये तीन तरह के हैं, इनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। इन बैक्टीरिया को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। पहले हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया, पैरासाइटिक बैक्टीरिया,
इसका मतलब क्या होगा, ये पैरासाइट है, मतलब ये होस्ट बॉडी के अंदर रहकर या बॉडी के ऊपर रहकर उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। तो दे एक न्यूट्रिशन दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट, फ्रॉम होस्ट, और होस्ट में कहाँ रह सकते हैं ये, उसकी बॉडी के अंदर, इन या ऑन दी बॉडी, बॉडी के ऊपर या उसके अंदर रह के न्यूट्रिशन, ठीक है। और ये होस्ट को डिजीज भी कॉज करते हैं, दे कॉजेज डिजीज थ्रू होस्ट, ये होस्ट को डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेरियम, विब्रियो कोलेरियम। इसके अलावा निमोनोकोकस बैक्टीरिया हो गया, निमोनोकोकस, ये होगा एग्जाम्पल आपके पैरासाइटिक बैक्टीरिया। फिर पैरासाइटिक के बाद दूसरे बैक्टीरिया वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया कहलाएंगे सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। तो सेकंड है सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, एक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड मैटर, ये डेड मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं, ये कहलाते हैं सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, ठीक है। और क्योंकि ये डेड मैटर को खत्म भी कर रहा है, कंज्यूम भी कर रहा है, इसलिए इनको नेचुरल स्केवेंजर भी बोला जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल स्केवेंजर, ठीक नेचुरल स्केवेंजर का मतलब है ये क्या करते हैं, क्यों बोल रहे हैं इनको ऐसा, ये इसलिए बोला गया है क्योंकि बिकॉज दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, दे हेल्प इन रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स की रीसाइक्लिंग में भी हेल्प करते हैं। इसके एग्जाम्पल देखें यदि, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, एक हो जाएगा स्यूडोमोनास, स्यूडो मोनास, और एक और देखें एग्जाम्पल, तो एक हो जाएगा इसका स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ये हो गए आपके सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। तीसरी कैटेगरी और समझ लेते हैं हम इसमें, तीसरी कैटेगरी है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, तो ऐसे बैक्टीरिया जो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेंगे और फिर अपना वहां से एनर्जी लेंगे या फूड लेंगे, ये क्या करते हैं, दे मेक
सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं और फिर एनर्जी लेते हैं उससे। एग्जाम्पल देखें इसके, तो इसमें आ जाएंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिन्हें हम नाइट्रोजन फिक्सर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें कौन सा आता है, इसमें आता है, और ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं ये किस प्लांट के साथ करते हैं, ये देखे जाते हैं इन लेग्यूमिनस प्लांट में। लेग्यूमिनस प्लांट, ऐसे प्लांट जो लेग्यूमिनेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट में देखा जाता है। तो इसके साथ हमने न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया पूरा कंप्लीट कर लिया। हमने ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों ही न्यूट्रिशन को समझ लिया, और दोनों में जो जो पॉइंट थे वो सारे पॉइंट हमने समझ लिए, सारी कैटेगरी हमने समझ ली। जी, अब हम बात करते हैं, हमारे पास आता है अब कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, हमारे पास कुछ यूजफुल बैक्टीरिया हैं, उनको हमें पढ़ना होगा कि बैक्टीरिया से हमें क्या हार्म है या बैक्टीरिया से हमें क्या बेनिफिट है, वो हम और समझ लेते हैं। तो एक बार बात करते हैं हम लोग अब हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में, ये नोट कर लीजिए फिर समझेंगे हार्मफुल बैक्टीरिया। चलिए अब बात करते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया की। या हम बोल सकते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के क्या हार्मफुल इफेक्ट है वो एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, ये वाटर को ड्रिंकिंग नहीं छोड़ते, उसको कंटामिनेट कर देते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं दे मेक वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। तो इन्होंने वाटर कंटामिनेट कर दिया जिसकी वजह से क्या होगा, डिजीज हो जाएंगी, विच कॉजेज डिजीजेस या वाटर बॉर्न डिजीजेस। और वो कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे जॉइंटिस हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा टाइफाइड हो सकता है, इसके अलावा कॉलरा हो सकता है, और डाइसेंट्री हो सकती है। तो ये कुछ डिजीज यहाँ पर देखी जा सकती है। ये ना डाइसेंट्री का होता है लूज मोशन, एक तरीके का लूज मोशन है ये। तो पहला तो इफेक्ट हमने ये देख लिया, दूसरा इफेक्ट देखे यदि, सेकंड इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट ये हो सकता है कि जो बैक्टीरिया है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी या उसके लिए भी हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैसे इसमें देखोगे यदि आप, तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये सेलुलोज जो होता है फाइबर, ये सेलुलोज फाइबर को उसको स्पॉइल कर देते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखें यदि, एग्जाम्पल हो जाएगा सेल्यूलोमोनास, सेल्यूलोमोनास
सेल्यूलोमोनास हो गया, इसके अलावा इसमें एक हो जाएगा साइटोफेज, या साइटोफेगा, PHEGA, साइटोफेगा हो गया। ये सब सेलुलोज को स्पॉइल कर देगा। इसके बाद थर्ड हमारे पास आता है इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट बैक्टीरिया का, वो है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग भी कॉज करते हैं बैक्टीरिया। फूड पॉइजनिंग की यदि बात करें तो इसमें पहला है, जैसे ये आता है आपका, फर्स्ट आता है एक बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रिडियम परफेरिंजन, क्लॉस्ट्रिडियम परफेरिंजन, ये जो क्लॉस्ट्रिडियम परफेरिंजन है ये एक मीडियम लेवल की फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। कॉजेस मीडियम लेवल फूड पॉइजनिंग, ये मीडियम लेवल फूड पॉइजनिंग कॉज करेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सिम्टम क्या होते हैं, इसमें यदि देखोगे सिम्टम तो इसमें नोजिया होगा, हेडेक होगा, नोजिया हो जाएगा, नोजिया मतलब जी खराब हो जाएगा, और वॉमिटिंग होगी, और डायरिया होगा, डायरिया हो जाएगा, ये सब देखने को मिलेंगे सिम्टम। दूसरी जो फूड पॉइजनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड है जो कि क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम से हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटू, BOTU है, ठीक है, बॉटुलिनम इससे हो रही है, ये कॉज करता है बॉटुलिनिज्म, इसको बोलते हैं बॉटुलिनिज्म, जो इससे डिजीज हो रही है या जो इससे फूड पॉइजनिंग हो रही है उसका नाम है कॉजेस बॉटुलिनिज्म। इसके क्या सिम्टम है, देखो बॉटुलिनिज्म के सिम्टम्स देखोगे यदि, ये इसमें ये बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में, और इससे इन्फेंट जो है वो मर सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, इन्फेंट में डाई, ये छोटे बच्चों में होता है, छोटे बच्चे मर जाते हैं इससे। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है ये ना जो बंद या पैकेट वाला खाना होता है उससे फैलता है, तो हम ये लिख सकते हैं पॉइंट, ये पॉइंट याद रखिएगा, दिस बैक्टीरिया इनफेक्ट कैन कैन्ड फूड, जो पैक्ड फूड है, डब्बे वाला खाना है, उसको ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर देता है, और उससे फिर जब छोटे बच्चों को वो फूड दिया जाएगा तो वो क्या होगा, उन बच्चों को ये हार्म करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, और उन बच्चों की डेथ हो जाएगी। तो ये हमने अभी आज तीन इफेक्ट देख लिए बैक्टीरिया के जो हार्मफुल इफेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग यूट्रॉफिकेशन देखेंगे, और डाइनाइट्रिफिकेशन जो है, और भी इसकी कुछ और जो हार्मफुल इफेक्ट हैं वो सारे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक करके रखें, मिलेंगे अगली क्लास में, तो आगे बात करेंगे।